की कोशिश कर रही हूँ और आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। ये 4 साल पहले बना हुआ था। अभी रिसेंटली जब मैंने मेकअप ट्यूटोरियल अपलोड किया आप लोगों की इंतहास ज्यादा फरमाइश के बाद, तो मुझे बहुत 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 प्यार मिला आप लोगों की तरफ से, बहुत सपोर्ट मिली। तो मैंने सोचा कि अब जो दूसरी मोस्ट फरमाइशी वीडियो है आप लोगों की तरफ से कि व्हाट्स इन माय बैग एपिसोड करें, तो मैंने सोचा कि मैं आज इसको रिकॉर्ड करती हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों ने बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, हमेशा की तरह मैं आपको कहती हूँ चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना। झूठ बोल रही है, मेरे मुकाबले में आई है डी प्रवेश के चैनल सब्सक्राइबर से ऊपर ज्यादा जाती है, इसलिए कर रही है। पहले मेरा सब्सक्राइब करें, 1 मिलियन जल्दी करते हैं, इसको नहीं होने देना। सबसे पहले आपने इकरा कमल के 1 मिलियन करना है। मैं आप लोगों को कह रही हूँ गाइस, मेरी बात माने, ये एपिसोड बहुत मजे के आने वाले हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। कॉम्पिटिशन है, जहाँ भी कॉम्पिटिशन कर रही है मेरे साथ, मैं आपसे पहले करके दिखाऊंगी। अरे इट्स हेल्दी कॉम्पिटिशन। ओके, अब ये लड़का मुझे पता है कि फुल तंग करने वाला, बिकॉज मैं व्हाट्सएप पर बैग वाला एपिसोड करने वाली हूँ, इसको भी नहीं पता। अरे बस एक दफा जरा वजन चेक करना मेरे बैग का, इसको किया। जब मैं अपनी अम्मा को बैग देती हूँ तो वो कहती है कि इस बैग में ऐसे तो इट्टा भरी हुई है। बेटा पत्थर जर्मन मामा सही कहती है, इसमें इटे ही पड़ी हुई है, जो हाल है ना ऐसा लगा इसे ईटे डाल के बैठी हुई है। ये बैग तुम रोज कैरी करके लेके जाती हो? नहीं, मैंने भी बैग चेंज किया। तुम बैग को ये कैरी करती हो, इसमें सारा सामान निकाल के इसमें शिफ्ट हुआ हुआ है, क्योंकि वो बैग बस उसने कर दिया ना। मैं ब्लॉग ओके स्टार्ट करो, नया बैग दिखाऊं यार, मैंने नया बैग लिया गाइस, ऐसे मैं आपको नया बैग ना दिखाऊं। चलिए जी, हम अपना एपिसोड करते हैं स्टार्ट, व्हाट्स इन माय बैग। तो सबसे पहले तो मेरा बैग, मुझे हमेशा बैग में वो छोटे छोटे बैग नहीं पसंद, आई वांट समथिंग लाइक दिस, जिस तरह से टोट बैग्स होते हैं जिसमें मुझे चाहिए पूरा अपना घर, कि मैं कहीं पर भी बाहर जाऊँ तो उसमें हर चीज मुझे मिलनी चाहिए। सो मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले तो मेरे बैग में क्या है। आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत अनोइंग है, जिसकी वजह से मेरे सर में दर्द हो जाती है, ये अभी भी मुझे बहुत अनोय करे। यदि अगर ये टूटा तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, प्लीज डिस्ट्रैक्ट करना मुझे बंद करें। तो इतना अनोय करते हैं कि मेरे ना ये एक तो ब्लॉगिंग कर करके मेरे बैक में ना दर्द स्टार्ट हो जाती है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ब्लॉगिंग कर करके मेरे बैक में दर्द होती है, तो इसलिए मैं व्हाट्स इन माय बैग बना रही हूं। सो मेरे पास ये बैक नेक मसाजर क्रीम है, व्हिच इज वेरी नाइस, वेरी गुड। ये रोलर के साथ है, यानी कि और तो मुझे कोई इस तरह तो इसको मैं ना कि मेरे लिए बड़ी हेल्प आउट, मतलब कभी मैंने जिंदगी में इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा इसको। ये अरे बाप रे। दूसरी चीज ये दिस इज माय टोनर, ये हमेशा मैं अपने पास अपने बैग, शुक्र है कोई जा रहा है, बाय बाय। तो ये मैं अपना टोनर हमेशा अपने बैग में रखती हूँ, इसलिए रखती हूँ क्योंकि मेरा बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल होता है। सो मैं चाहती हूँ कि जहाँ कहीं पे भी मैं जाऊँ आई शुड कैरी माय टोनर। तो ये मेरा हाइड्रेंट टोनर है जो मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। एंड तीसरी चीज़ है मेरे पास वाइप्स, मेकअप वाइप्स, कहीं पे भी मेकअप साफ करना पड़ गया, कुछ भी करना पड़ गया, सो आई कीप दिस। आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई नेल्स, आई डोंट यूज एक्रेलिक्स, सो मैं अपने नेल्स की, मेरी कहीं पे भी कोई आजू बाजू से हिल जाए, सो नेल फॉइलर, ट्यूजर, नेल कटर एंड बफर, तो ये मेरी नेल किट मेरे पास हो गया। ये चीज़ जब आजकल आपको पता है कि वैसी बड़ी हम लोग दुबई ट्रैवल गए थे तब से मैंने अपने बैग में से निकाली ही नहीं है, और ये मेरा चश्मा होता है मेरे बैग में हमेशा, आ गया है कोई, ओ माय गॉड। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है योर टिश्यूज, बिकॉज आप कहीं पर भी जाते हो आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे स्टिकी नोट्स एंड माई लेड पेंसिल एंड माई पेन, क्योंकि मुझे थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे जो होता है ना अपने ब्लॉग्स का कॉन्टेंट, अपनी वीडियोज, अपने इंस्टाग्राम, वो सारी चीजों की चीजें लिखी होती है, तो मेरे बैग में हमेशा झूठा है, बस कर दे। और मेरे परफ्यूम्स, जो कि आपको पता है हर लड़की अपने बैग में, पहले मैं ये कह रही, अभी मैंने ये रिसेंटली ये रखना स्टार्ट किया, पहले मेरा ये सब जैसे लुक ढक्कन झक्कन घूम गया, बट आई लव दिस गुची गिफ्ट, इज माई फेवरेट। ओके, मैंने अपने हस्बैंड के एयरपोर्ट चोरी किए हैं, तो ये भी हमेशा मेरे बैग में। तक फार मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया, फिर एयरपोर्ट वापस करो चुराको। अरे ये अब मेरे हैं, अब तो वैसे भी 16 प्रो के नए नहीं आगे फोन हो, ओह माय गॉड, तो वो मेरे होंगे। अगर किसी ओकेजन पे जाना होता तो आपको लिफाफे में पैसे डालते हो, तो कि लिफाफे हमेशा मेरे जो है ना वो बैग में होते हैं, ताकि हमें खुले में पैसे ना देने। इम्पॉर्टेंट चीज योर सनस्क्रीन, जो कि मैं हमेशा बैग में रखती हूँ, लेंस का जो है वो नॉक सॉल्यूशन एंड साथ में उसका सारी चीजें, मेरे लेंस होते हैं मेरे पास, क्योंकि मैं चश्मा निकाल के रख देती हूँ तो फिर मुझे लेंस की जरूरत पड़ती है। मेरी बात सुनो, इसको बैग क्यों कहती हो तुम, इसको तो घर का हो या फिर फार्मेसी का हो या फिर ऐसे का हो कि ग्रोसरी स्टोर को, इसमें इतना सामान पड़ा होता है, अस्तगफिरुल्ला, ये पागल लोग हैं जो इतना सामान लेके फिर रहे होते हैं। वुमेन, ये मेरी सेफ्टी पिंस, कहीं पर भी जरूरत पड़ जाती है साथ में ये पिंस होती हैं आपको अपने ड्रेस वगैरह को सेट करने के लिए। ये भाई नेल पॉलिश रिमूवर एंड फ्रेशन अप के लिए आपके पास वेट वाइप्स होते हैं, तो आई लाइक ये भी है। ये इसीलिए क्योंकि मैं जब किसी होटल में जाती हूँ तो वहां पे चाय के लिए उन्होंने रखा, तो आगे उन्होंने रख के निकले थे, काम आते वाला।
अच्छा जी, और बाकी मैंने अपने बैग में ना चॉकलेट्स वगैरह भी रखी होती हैं फॉर माय हस्बैंड, क्योंकि इनको कभी भी भूख लग जाती है तो मुझे कहते हैं मुझे चॉकलेट। हां मेरा नाम लेके कुछ लोगों ने खाती रखी है चॉकलेट एंड बबल, कुछ कम खाने ज्यादा खाने की चीजें नहीं रखी हुई इस दफा मैंने, क्योंकि वो जो एक रुझान है ना वो कहता है चाची चीशी, तो उसके लिए बेसिकली नॉट फॉर चाचू। हैंड सैनिटाइजर कभी भी कहीं भी आप दुआ है, आप हमेशा ट्रैवल किया आपको जब भी जरूरत पड़ेगी, मैंने आपको हमेशा जो है वो हैंड सैनिटाइजर। तो गाइस को फार्मेसी नाम दो बैग का, मेरी घड़ी कुछ घड़ी के मैंने वहां पे रखी हुई है हमेशा बैग में, तो अगर किसी ओकेजन पे घड़ी पहनना भूल जाऊं तो मैं हमेशा अपने बैग में से निकाल के उसको पहनती हूं। अब बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, योर कैश, योर क्रेडिट कार्ड, योर आईडी कार्ड, और मेरे हस्बैंड का आईडी कार्ड भी मेरे पास होते हैं क्योंकि हमेशा ये अपनी पॉकेट में रखना भूल जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड है मेरी, सिक्योरिटी डेंटल किट मैं हमेशा अपने बैग में रखती हूँ, मम्मा की तरफ जाना पड़ गया रखना भूल गई हूँ, कहीं पर भी स्टे करना पड़ गया तो हमेशा ये मुझे। यार कौन सी लड़कियाँ होती हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, कौन सी लड़कियाँ जो सारी चीजें कैरी करके जाती हैं, बंदों से पूछो उन्होंने पर्स पकड़ा होता, पर्स के अंदर भी एक पैसे होंगे बस, दांत का कुछ भी नहीं होता, पर्स भी नहीं होता मेरे हाँ। के पास तो मुझे मुझे आता तो भी नहीं है, ये इतनी चीजें मतलब कैसे संभाले कैसे सारा। मेरी सारी लिपस्टिक्स आपको अच्छे यहाँ पे भी पड़ी है, काफी मेरी लिपस्टिक्स हैं क्योंकि मुझे ये होता है कि अगर मैं कहीं पे भी जाऊँ तो मेरे पास हर शेड अवेलेबल होता है, बस ये सारा कुछ मेरे बैग में पड़ा हुआ है। एक्स्ट्रा ज्वेलरी भी मैं एक आधा जो है वो ईयर स्टड या इस तरह के टॉप्स वगैरह रखती हूँ अपने पास के, ऐसे अचानक से चेंज करने पड़ते हैं। ये ना ये मेरे ख्याल से ये मैजिकल बैग है, इसके से अभी एक सोफा निकलेगा, अभी एक वो निकलेगा, बेडशीट निकलेगी, हर चीज इससे बड़ी, ये डोरीमोन का बैग है इसके अंदर हर चीज बड़ी हुई है, ये हर गैजेट इसके अंदर से निकलता है। नेल पॉलिश रिमूवर है तो नेल पॉलिश भी कहीं उतर गया कहीं खराब हो गया, आपको मैंने पहले बताया वेरी कॉन्शियस अबाउट माय नेल्स, तो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। ये मेरा टिंट है जो हमेशा सनब्लॉक लगाती हूँ, टिंट यूज करती हूँ उसके बाद बस करती हूँ, अरे ये हरकत ना करें मैं मारूंगी आपको, ये नेल पॉलिश रिमूवर है। अब मेरा बैग है जो वो बिल्कुल खाली बिल्कुल, अरे ये देखिए अब बिल्कुल खाली हो चुका है और ये सारा सामान वापस से जाएगा मेरे बैग के अंदर, और यही सारी चीजें हैं जो मैं डेली अपने साथ कैरी करती हूँ और मेरी अम्मा मुझे हमेशा बहुत। कैसा लगा आपको इतना कवर्स इन बैग, ये देखिए कितनी चीजें होती हैं प्रोडक्ट की चीजें, आपके बैग में ऐसी चीजें नहीं होती होंगी है ना। अभी मेरी काफी चीजें मिसिंग है, अभी मैंने खरीदी मेरा वॉलेट, अभी तो परफ्यूम कलेक्शन आएगी, शूज कलेक्शन आएगी इकरा के चैनल में, लेकिन जब मेरा एक ब्लॉग आएगा सारे इकरा के ब्लॉग डेट पास कर दे, पता नहीं किसी को बहुत ही ज्यादा खुश रहनी है। गाइस अल्लाह में एक्साइटेड में गिरते जा रही है, गाइस आप लोगों ने मेरा 1 मिलियन जिस स्पीड में कर रहा है ना, मैं आपको कह रही हूँ फटाफट कर दे, कुछ तरीका है भीख मांगने का, और इस तरह की बहुत मजेदार वाले एपिसोड आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो, आज का जो एपिसोड है वो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के और एपिसोड्स आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।